कांग्रेस उसे पीछे आप सारे हाथ पांव बात करके ये चाहते हो कि समुद्र तैरे। आप कहते हो मदरबोर्ड को नहीं छोड़ेंगे, आप जो है किसी और जो वाइटल ऑर्गेन है उनको नहीं छोड़ेंगे, आप 3 घंटे के अंदर हमारी जीवी मशीन को हैक करने का वो बताएंगे, आप जो मशीनें यूज की जाती हैं उन मशीनों को वेरीफाई करके दीजिए राजनीतिक दलों को, हम हैक करके दिखाते हैं, हम हैक करके दिखाते हैं। लेकिन लेकिन आप कह देंगे ये भी नहीं छेड़ेंगे वो भी नहीं छेड़ेंगे, जहाँ से हैकिंग हो रही है उन चीज़ों को आप कहते नहीं, आप इसको तो नहीं छेड़ेंगे तो फिर हैक कैसे होगा भैया। तो ये कैसे मैं सत्र का बजट सत्र होना चाहिए और वहाँ बजट सत्र आउट न कर सरकार ने गैरसैनियत और गैरसैन का अपमान किया, अपमान किया विधानसभा का, अपमान किया कि विधानसभा का सर्वसम्मत फैसला था कि विधानसभा सत्र गैरसैन में होगा और इन्होंने बजट सत्र 2017 और इन्होंने ऐसा न कर दिया। रहा सवाल इंफ्रास्ट्रक्चर का, हमने विधानसभा सत्र आउट करके वहाँ दिखाया है, अब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में और ज़्यादा सुधार आ गया है, वहाँ विधानसभा भवन बिल्कुल तैयार है, MLA हॉस्टल तैयार है, 200 से ज़्यादा अधिकारियों के घर तैयार है, 1000 कर्मचारियों के अस्थायी आवास के तौर पर स्थानीय लोगों के घरों की मार्किंग की गई है, सारी व्यवस्थाएँ पानी की है, बिजली की है, कोई व्यवस्था सड़क की ऐसी नहीं है जो वहाँ नहीं है। यदि वहाँ नहीं है तो केवल देहरादून नहीं है, बाकी गैरसैंण में सब कुछ है। और उत्तराखंड की आरोपों का मैंने शुरुआती में कहा था 2 साल ये खड्डे खोदेंगे और 2 साल उनको भरने का काम करेंगे, लेकिन मुश्किल ये है कि ये इन खड्डों में त्रिवेंद्र सिंह को ले जा रहे हैं, भले आदमी को नहीं जा रहे हैं।